सो आज हम करने वाले हैं एक बजट यूपीएस का अनबॉक्सिंग एंड दूंगा मैं एक उसका ऑनिक्स रिव्यू और इसका आज रियल लाइफ टेस्ट करने वाले हैं। ये एक एपीसी का यूपीएस है और ये बहुत ही अच्छा यूपीएस माना जाता है एंड कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपका यूपीएस का लाइफ एक्सपैंड हो सकता है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। सो हे गाइस, टेक ट्रेजर हंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। सो गाइस, तब देख सकते हो अभी रिसीव हुआ ये पार्सल फ्लिपकार्ट से। इसी तरह की बॉक्स में पार्सल को डिलीवर किया गया, पता नहीं किस तरह से खुला हुआ है इधर। तो अब देखते हैं अंदर कैसी चीज़ें, फटाफट से इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो गाइस, सो पैकेट तो उस तरह के था लेकिन अनबॉक्सिंग में देख लेते हैं इसमें कुछ सील पैक वगैरह ही है, कोई डुप्लीकेट या फिर कुछ नहीं है। सो इसे फटाफट से खोल लेते हैं फिर से। सो गाइस सॉरी, मेरे पास परफेक्ट अनबॉक्सिंग की कुछ जगह नहीं है तो मैंने बैठे ही कर रखा है इसे। तो आप देख सकते हो एपीसी का एक यूपीएस है और यहाँ पे 600 भी है, 6 to 4 hour फास्ट चार्ज एंड 2 years वारंटी। ठीक है, क्विट बी प्लस, क्वाइट बी प्लस मतलब साउंड बीप का जो साउंड आता है वो बहुत गंदा लगता है, वो इसमें कम है। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस हमने इसे निकाल लिया इस पैकेट से। इसके अंदर ये एक यूपीएस है और कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है एंड हम देख सकते हो पैकेट में कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से इसका सब कुछ खोल के फिर आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो सामने की तरफ से आपको इस तरीके का कुछ डिज़ाइन देखने को मिलता है एंड साइड पे भी आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है। तो बात करते हैं अब इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में। वैसे तो बहुत हैवी है लेकिन इस प्लास्टिक बॉडी के साथ आपको ये मिलता है, दोनों तरफ से आपको प्लास्टिक मिल जाएगा एंड इसका कलर उतना अच्छा नहीं है, ब्लैक एक ही कलर में आता है ब्लैक एंड इसका ब्लैक कलर भी उतना अच्छा नहीं है और इसका प्लास्टिक क्वालिटी भी ठीक ठाक है तो उसमें आसानी से स्क्रैच आ जाता है। तो बेल्ट क्वालिटी में डिसेंट सा है ये। इसका केबल लेंथ है लगभग 1.2 meter जो कि ठीक ठाक है, डिसेंट सा है, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, लेकिन मेरे लिए छोटा ही है। और इसका जो केबल का क्वालिटी है, बाय द वे केबल का क्वालिटी अच्छा है, आपको अच्छा केबल देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसका डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन में आपको ये मॉडर्न ज़माने के यूपीएस की तरह ही लगेगा, वो जो पुराने ज़माने का आता था बक्स की तरह वैसा नहीं लगेगा, बहुत ही स्लिम ट्रिम है, लगेगा कि आपके पीसी के जैसा ही कुछ मिनी पीसी है। तो डिज़ाइन में मैं इसको एक थम्स अप देना चाहूँगा। सो फ्रंट में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, नीचे आपको बड़ा सा एक एपीसी का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा एंड ऊपर में आपको 2 switch देखने को मिलेगा। ये जो स्विच है सबसे पहले वाला ऊपर लिखा है पावर ऑन ऑफ स्विच, इससे आप पावर को ऑन ऑफ कर सकते हो एंड साइड में जो स्विच है वो बैटरी सेवर स्विच होता है जिससे आपका बैटरी ज़्यादातर तक चलता है जैसे मोबाइल में होता है। एंड इस साइड में एक LED देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कौन सा किसके लिए है और ऊपर आपको EPC UPS 600 लिखा हुआ मिल जाएगा और बाकी फ्रंट से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। तो अगर हम साइड की बात करें तो साइड में आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको एयर विंड देखने को मिल जाएगा, ऐसे ही तो साइड में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए एक बिग थम्स अप, इससे आपको आसानी से यहाँ से एयर अंदर जाता है एंड इस प्रोडक्ट को कूल रखता है। तो अब बात करते हैं इसका बैक साइड की। पीछे की तरफ आपको 3 adapter देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया बात है एंड आपको नीचे की तरफ कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे नीचे इसका केबल है और ऊपर आपको सेम उसी तरीके का विंड देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे नीचे आपको एक सील देखने को मिल जाएगा जो वारंटी से रिलेटेड, वारंटी के अंडर अगर ये टूट जाता है तो इसका आपको वारंटी नहीं रहेगा। सो इसे आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। और गाइस इसके साथ भी एक दिक्कत है, यहाँ पे जो आपको तीनों एडाप्टर देखने को मिल जाता है इसमें आपको कोई भी एक इंटरनेशनल पोर्ट नहीं दिया जाता है जो एक बड़ा दिक्कत है। हालांकि इसमें देना चाहिए था क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न ज़माने का पावर सप्लाई का केबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जो इसमें फिट नहीं आता, इसके लिए आपको एक अलग से एडाप्टर खरीदना होगा। सो ये मुझे बुरा लगा, अगर ये ठीक हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कस्टमर रिलेटेड कुछ दिया हुआ है एंड नीचे लिखा है जब भी साफ साफ लिखा है यहाँ पे, जब भी आप यूज़ करोगे तो करंट पे यूज़ करना
एंड जब भी आप इसे यूज़ नहीं करोगे तो आपका इसे बंद रखना ज़रूरी है। तो यही कुछ बातें ऊपर लिखा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए आप इसे ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्विच है इसे ऑन करने से, इसे प्रेस करने से ही ऑन हो जाता है। तो इसे यहाँ पे लाइट ऐसे आ जाता है। तो शायद आपको ये लाइट दिख नहीं रहा हो, तो मेरा मेन लाइट ऑफ कर देता हूँ तो शायद आपको अब प्रॉपर दिख रहा है। तो यहाँ पे साइड में जो स्विच है, ये पावर सेवर स्विच है, बैटरी सेवर, तो इसे हम ऑन करते हैं तो इसमें भी लाइट आ जाता है। तो इस दोनों में अगर लाइट आता है तो इसे ऑन हो जाता है। एंड साइड में जो स्विच है इससे अब जब भी चार्ज हो जाएगा या फिर तब ये ऑफ हो जाएगा। एंड ये कुछ ब्लिंक करता है जब चार्ज खत्म होने लगता है। तो इसका भी कुछ दिखा देते हैं हम इसे ऑन करके। तो हमने इसे करंट पर डाल दिया है, तो अब इसका मेन स्विच हम ऑफ कर देते हैं और देख सकते हो यहाँ पे लाइट जल रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। जब चार्ज होता है तो इस तरीके से लाइट जलता है। एंड जब भी ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इस तरीके से लाइट ऑफ हो जाएगा। तो इसी ऐसे ही कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब इसका हम रियल लाइफ टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि बैकअप कैसा है। तो मैंने पीसी को इससे कनेक्ट कर दिया है, तो अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा। एंड यहाँ पे मेरे पास मेरा फोन है, इस फोन में मैं टाइमर सेट करूंगा और आपका टाइम बचाने के लिए मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ समय पहले से ये बंद हो गया, तो मैंने स्टॉपवॉच को बंद कर दिया था। तो आप देख सकते हो कुल 6 मिनट 32 सेकंड, लगभग 6.5 मिनट तक इसने बैकअप दिया, उसके बाद ये बंद हो गया बैटरी सेवर मोड में। तो 8 मिनट कंपनी दावा करता है, लेकिन ये 6 मिनट तक, 6.5 मिनट तक मेरे को दिया बैटरी सेवर मोड में। तो मेरे हिसाब से ठीक है। और बाकी अब टेस्ट करते हैं कि बिना बैटरी से करके कितना टाइम तक बैकअप दे देता है। उससे पहले मुझे इसे चार्ज करना पड़ेगा, तो मिलते हैं चार्ज करने के बाद। सो गाइस, मैंने इसे फुल्ली चार्ज कर दिया है, तो अब सेकंड टेस्ट रन करेंगे इसका बैटरी सेवर मोड ऑफ करके। ठीक है, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ एंड फटाफट से मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो वैसे हमने सेकंड टेस्ट भी कर दिया है एंड रिजल्ट अब देख सकते हो 4 मिनट एंड 32 सेकंड पहले से बहुत कम है। तो क्या कर सकते हैं, बैटरी सेवर बिना बैटरी सेवर कैसा हो जाता है। लिटरली 4 मिनट 32 सेकंड दिया है, पहले वाले में 6 मिनट 35 सेकंड दिया था। तो बैटरी सेवर ऑन करके आपको 6 मिनट तक मिल जाएगा। सो इसे आप यूज कर सकते हो। एंड इस पीसी बिल्ड का वीडियो अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, उसे भी देख लेना। सो अब मैं आपको 3 टिप्स दूंगा, यानी 3 बातें बताऊंगा, उसे अगर आप अप्लाई करोगे तो आप कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे। ठीक है, सो टिप नंबर 1, जब भी यूपीएस खरीदते हो मार्केट से, लोकल शॉप से, तो आप चेक कर लेना कि उसका सील वगैरह जब वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इसको लेकर बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में अब जब खरीदने जाते हो तो कभी कभी इसका अंदर का जो बैटरी होता है, मेन बैटरी इसके अंदर लगा हुआ है छोटा सा, तो वो बैटरी कोई निकाल के दूसरा वाला बैटरी लगा के देता है डुप्लीकेट कोई, तब आपका यूपीएस बहुत ही खराब हो जाता है ना गाइस। तो इसका ध्यान रखना। टिप नंबर 2, अगर आपका यूपीएस कभी भी खराब हो जाए तो आप इसे फेंकना मत, इसका अंदर जो बैटरी है बस उसे ही चेंज करना, तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। इसके अंदर का बैटरी का प्राइस शायद से 1000 या फिर 900 रुपये का हो जाता है, तो उसे आप चेंज कर लेना लोकल शॉप से, आप फिर अगर खुद से कर सकते तो खुद से कर लेना, ताकि आपका पैसा सेव हो एंड इसी यूपीएस को आप लॉन्ग लाइफ चला सकते हो। टिप नंबर 3, ये बहुत ही एक अच्छा टिप है, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका यूपीएस का लाइफ स्पैन होगा। सो गाइस, अब जब यूपीएस खरीदते हो तब कंपनी दावा करती है कि किसी किसी यूपीएस में आपको 30 मिनट का बैकअप या फिर 10 मिनट 12 मिनट जो भी आपको मिलता है तब मिल सकता है, लेकिन वो कंपनी बोलते हैं, लेकिन आपको वो नहीं मिलता है। क्योंकि गाइस, आप जो गलती अब करते हो यूपीएस खरीदते समय, वो अब ये करते हो कि आपने यूपीएस खरीदा और फिर घर पे लाके उसे यूज़ करना शुरू कर दिया।
गाइस जब आप कभी नया फोन खरीदते हो तो किसी किसी फोन में 100% या फिर 90% बैटरी हो जाता है ना, तो या फिर किसी किसी फोन में आप देख सकते हो 15% 20% बैटरी होता है, क्योंकि गाइस वो कंपनी से तो चार्ज होके आता है, तो फिर कितना दिन तक गोडाउन में पड़ा रहा कि उसके बाद सेलर के पास, उसके बाद आपके पास आया, तो इतना दिन में तो चार्ज जाएगा ही ना। तो ऐसा ही यूपीएस की तरह है, तो यूपीएस का भी चार्ज जाता है, तो अब लाके उसे प्रॉपर एक दिन उसे फुल्ली चार्ज करो एंड उसके बाद अब यूज करो, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड अब जब भी खाली टाइम मिलता है तो आप इसे यूज़ करते हो, एंड फिर जब इसको यूज़ नहीं करते हो तो आप इसे अब बंद करके चार्ज पे लगा के रखो, फुल चार्ज करो, तो इससे आपका यूपीएस का लाइफ बहुत ही एक्सपेंड हो जाएगा। तो यही तीनों टिप को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका बहुत ही यूपीएस का हेल्थ बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो हे गाइस, आई होप आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला है तो अब इसे लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके आप मेरे को मोटिवेशन दे सकते हो। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको इस तरह की बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसे जरूर से वॉच करना। और अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी शो कर रहा है, यहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक था, सो फिर मिलेंगे आप इस तरह की कोई अमेजिंग वीडियो लेके। तब तक आप खुश रहो, आप ये हो, जय हिंद जय भारत। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.